देश के कई राज्यों से महिलाओं के बाल काटने की तस्वीर सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। राजस्थान से शुरू हुआ महिलाओं की चोटी काटने का सिलसिला अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के अच्छेजा गांव में भी दो लड़कियों की रात के समय चोटी काटने की घटना सामने आई है। घर की महिलाओं की माने तो रात में एक अजीब सा साया महसूस होता है, जिसके बाद सुबह उठकर देखा तो घर की बहू बेटी की चोटी कटी हुई मिली। वहीं लोगों ने पुलिस में शिकायत दे दी है, लेकिन आखिर कौन है जो महिलाओं की चोटी काट कर दहशत फैला रहा है? यहाँ लड़की लौट रही है, एक यहाँ बीच में मेरे पास लौट रही थी, यहाँ दूसरी ये लड़की लौट रही सिखा जो 12वीं पढ़ती है। तो यहाँ ऐसा लग गया, बहू ने कहा कि मम्मी ऐसा लग रहा कोई जीने पर चढ़ रहा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो वो डर गई बहू। मैं बोली, मैंने कहा चल कुछ नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। तो आपको किस समय पता लगा? तो ये सवेरे 5 बजे पता लगी थी हमको। हाँ, सवेरे हम उठे तो मैं 4 बजे उठी तो मैंने देखे, मैंने की वैसी पड़े दिखे, ये बाहर से पड़े हैं, मन की वैसी पड़ी। फिर मैं चली गई तो बाहर को तो देखे, तो सवेरे को हमें दुखसा हुई, लड़की लूटी हुई सब पता नहीं चला, अखबार कट गए मेरे। तो उसके पता नहीं लगे, बाहर देख कर हाथ हम कटे होंगे, सुबह उठाइए जब बाहर हमारे ठेली पर रखे हुए मिले होंगे। अब रात में क्या देखते, सोते वक्त पर दिन भर काम करते हैं, रात को सोते होंगे तो बताओ, रात में सोते भाई तो चंक मार के डाल गया, क्या पता लगेगा। फिलहाल घटना के पीछे क्या वाकई कोई साया है या फिर गांव के ही किसी की शरारती तत्वों की साजिश है, इस बारे में लोग खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन दोनों ही परिवार ने बादलपुर थाना क्षेत्र को घटना की सूचना दे दी है। अब देखना ये होगा कि देश के दूसरे राज्यों में महिलाओं की चोटी काटकर दहशत मचाने वालों का खुलासा आखिर कब होगा। न्यूज के लिए नोएडा से कौशल आलम की रिपोर्ट।